Welcome to our YouTube channel, Strategy PCS. So let's begin with our daily current affairs and MCQ question. So our first question is, recently, who has inaugurated the Digital Forensic Center in Gandhinagar? हाल ही में गांधीनगर में डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर. So as you can see in the picture, he is our home minister, गृह मंत्री है हमारे देश के. So अमित शाह जी ने गांधीनगर में इसका डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर का इनॉग्रेशन किया है. कहाँ पे है ये सेंटर? ये है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, NFSU यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर. ये सेंटर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर में किया है. रिसेंटली हु विल इनॉग्रेट दी आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन इन न्यू दिल्ली. हाल ही में नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन कौन करेगा? सो he is our vice president Mr. Jaydeep Dhankar. So Jaydeep Dhankar ji ne iski pehal ki hai, iska udghatan is abhiyan ka shuru kiya hai. And this campaign includes sabko nyay har ghar nyay nav bharat nav sankalp and vidhi jagriti abhiyan. Ye sare campaign isi mein include hai. सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृत अभियान. एंड ये 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक डे विच इज हेल्ड ऑन 26th ऑफ जनवरी रिसेंटली, तो उसके उपलक्ष्य में ये अभियान की शुरुआत की गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which of the following chief minister of Bihar will be awarded the highest civilian honor Bharat Ratna? हाल ही में बिहार के किस मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? So as you can see in the picture, this is Bharat Ratna and he is Karpuri Thakur. So he was the ex chief minister of Bihar and he was the 11th chief minister of Bihar, 11th chief minister, and he served two terms. दो बार ये मुख्यमंत्री चुने गए थे, 1970 से 71 तक, दूसरी बार 1977 से 1969 तक. एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज जननायक से भी जाने जाते थे, जननायक. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Recently, the government of which country has declared 22 January as Ayodhya Ram Day? किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? हम सभी जानते हैं 22 जनवरी को इनॉग्रेशन हुआ है राम टेंपल का अयोध्या में, 22 जनवरी. And the government of Canada has declared 22 जनवरी एज अयोध्या राम डे. एंड दो शहर हैं, दो टाउन हैं कनाडा में, वहां के मेयर ने एक्चुअली डिक्लेयर किया है. एंड वो कौन कौन से टाउन है? ओकविल एंड सेकेंड इज ब्रैम्पटन. तो यहाँ के दो मेयरों ने 22 जनवरी को अयोध्या राम डे डिक्लेयर किया है. इन विच सिटी 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड?
किस शहर में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जाएगा? सो ये विशाखापट्टनम में, वाइजैग आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। टोटल 16 स्टेट की पुलिस फोर्स पार्टिसिपेट करेगी, अलोंग विद 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस विल पार्टिसिपेट इन दिस एलाइट कमांडो पुलिस कंपटीशन। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024? हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, तो उसी दिन ये सम्मानित किया गया है पुरस्कार से, आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। विच कंट्री बिकेम द फिफ्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून सक्सेसफुली? चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पांचवा देश कौन सा बना? तो ये जापान है। हाल ही में जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा, ये याद रखिएगा जैक्सा, ये चांद पे उतरे हैं, इनका लैंड रोवर बेसिकली, तो ये पांचवा देश बन गया है। भारत कौन सा देश था? इंडिया भी पहुंचा था रिसेंटली, बहुत न्यूज में था हमारा चंद्रयान मिशन, तो आपको बताना है इंडिया कौन सा देश था, कब लॉन्च किया था हमने चंद्रयान मिशन और कब हम लोग सफलतापूर्वक पहुंचे थे चंद्रयान पे, कमेंट करके बताइए। हाउ मेनी टैब्लोएक्स विल बी इंक्लूडेड इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2024? कितनी झांकी शामिल की जाएंगी इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में? तो ये आपको बताना है, ये झांकियां होती हैं बेसिकली, तो कितनी झांकियां होंगी इस साल? तो 25, 25, 25 झांकियां होंगी। एंड 56 का प्रपोजल आया था, 56 का प्रपोजल आया था, उसमें से 25 सेलेक्ट की जाएंगी टॉप 25। एंड आपको ये बताना है कि कौन सी फर्स्ट आई है झांकी आउट ऑफ 25, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। रिसेंटली हु अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी? एसएसबी का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को इज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी हैज बीन सेलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच प्लेस 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल स्टार्टेड? हाल ही में किस स्थान पर नवा भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 शुरू हुआ है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है, फरीदाबाद हरियाणा में। तो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज डेली एमसीक्यू एंड करंट अफेयर क्वेश्चन। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब अस। एंड आपको अगर टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर क्विजेस और वेरियस अदर सब्जेक्ट्स की रोज क्विजेस आपको मिल जाएंगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डू कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस मोबाइल नंबर और यू कैन मेल अस ऑन strategypcs@gmail.com। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।